मांग गया तो तुमको गुलाम से क्या मतलब है? अच्छा आपने पूछा अजय भाई बीपी के बारे में क्या बता रहे हैं, फिर से बता दीजिएगा। बीपी यहाँ चेक कर, ठीक है, अगर आपका पहली बार में नॉर्मल आ गया, उस बीपी यहाँ पे हम लोग को दो बार चेक किया। पहली बार में नॉर्मल आया तो फिर भी दोबारा चेक किया, और जिसका पहली बार में भी ज्यादा और दूसरे में ज्यादा आ गया ना, तो यहाँ एक अच्छा क्या लगा, तो दूसरे जगह आपको बीपी जैसे कुछ आ गया 19-20 तो आपको एक रिमेड कर लेता है ना, नहीं 15 दिन बाद फिर आ जाए। यहाँ क्या किया, 2 दिन वो अपने अंदर ही रख लिया, अपने अस्पताल में भर्ती कर लिया, जो कुछ दवा होते हैं अगर 2 दिन में सही हो जाता है तब तो आप ओके कर देंगे मेडिकल, ठीक है, अगर 2 दिन में नहीं होता है तो आप रिमेडिकल करेंगे। अच्छा ठीक भाई, मेडिकल एक दिन में कंप्लीट हो जा रहे हैं का? हाँ हो जाएगा, 2 दिन मान के चलिए आराम से, एक दिन नहीं होगा 2 दिन में हो जाएगा। भाई कान पे चेक किया है? भाई मुरादाबाद में कान चेक करा क्या? हम लोग का तो कान चेक नहीं किया भाई। अच्छा क्या चेक किया भाई, बता दो तेरा। भाई एक बार सारे नाम से बोल दो। आँख चेक किया, एक्सरे किया, हाइड्रोसेल जी, पाइल्स चेक जी, बीपी चेक किया, जिनका एज 30+ है उनका यूरिन चेक किया, बस बस इतना चेक मेरा किया। सही है, सही है। आँख में लेटर वगैरह प्रभाव रहेगा तक है? हाँ वो लेटर प्रभाव रहता है, और उसके कलर विजन देखने के लिए वो गोला में अंदर में संख्या रहता है वहाँ पर। ये कलर विजन की पीडीएफ सेंड कर भाई अभी ग्रुप में थोड़ी देर, उसमें क्या कर दो कलर विजन। भाई अजय भाई यहाँ सरकारी सरकारी अस्पताल क्या चेक कराने का डिस्टेंस वाला क्या? हेलो, सरकारी अस्पताल में जाके चेक करवा ले डिस्टेंस वाला आँख के लिए? यहाँ सब उसी अस्पताल में हो जा रहा है, एक ही जगह है। अच्छा तो नहीं, मैं सोच रहा था इधर एक बार चेक करवा ली अपने इधर। चेक अभी टाइम है, चेक करवा लीजिए थोड़ा, हम तो बोलेंगे हाइड्रोसेल चेक करवा लीजिए एक बार, ठीक है, और एक बार बीपी चेक करवा लीजिएगा, कुछ 19-20 हो दवा खा के सही कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। मेरे 18 को टीवी है भाई, 18 फरवरी जी जी, तब तो आप उसमें बीपी चेक करवा लीजिएगा। हाँ होता है, उसका भी हम लिंक भेज देंगे यार, सब शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक, एक जो चेकअप हुआ है भाई उसका लिस्ट लिख के ग्रुप में सेंड कर दियो। ये कैसे मालूम चलेगा कि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ? जिसका मतलब कुछ रहता है ना 19-20 उसको बोल देता है आप मेडिकल जाए, कुछ अपना दिन में रिपोर्ट कीजिए कुछ। जैसे एक लड़का मेरे साथ था, फॉर्मेट पर ना उसका फॉर्मेट पे ओबीसी था और ना उसका भारत सरकार का कुछ ओबीसी था ही नहीं मतलब, ठीक है। अच्छा, उसके पास था 2016 वाला ओबीसी था, ठीक है, तो उसको आप लिख दिया, बोला आप ओबीसी का फॉर्मेट पर बनवा के आपस में भारत सरकार वाला बनवा के आप दिल्ली में लाजपत नगर में जाके, जहाँ बोर्ड है ना दिल्ली जी, वहां जाके रिपोर्ट कीजिए। अच्छा, उसके बाद उसका आगे मेडिकल वेडिकल जारी किया? हाँ, उसका सब कुछ कर दिया। और एक लड़का था जिसका एनओसी नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसको एप्लीकेशन बोला लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखिए आप और ये घोषणा कीजिए में मैंने उसे जमा करेंगे, तो लड़का 25 दिन में बोला हम जमा कर। अच्छा भाई, ओबीसी फार्मर जो ऑफलाइन बन रहा है उस पे तहसीलदार तक चल जाएगा यूपी पे? हूँ हाँ भाई, चल जाएगा तहसीलदार तक, क्या कीजिएगा, नहीं बन रहा है तो
अच्छा ओबीसी सर्टिफिकेट डिजिटल भी मांगता है क्या? हाँ डिजिटल तो डिजिटल दोनों मांगता है, ये केवल एक मांगता है? अरे डिजिटल जब आपके पास रहेगा तब तो आप फॉर्मेट पे बनवाइएगा ना। सही है सही है, नहीं तो यहाँ तो डिजिटल सीए लेवल था तो वहाँ तो डीएम तक ले सिग्नेचर हो गया। आप कहाँ से हैं भाई, बिहार से हैं क्या? हम तो करवा लिए पूरा, हम तो बिहार से हैं तो बिहार में सर तब तो तुम्हारा हो गया, तो डीएम लेवल से साइन करवा लीजिए हो गया। हाँ तो फॉर्मेट वाला हो चुका है, हालांकि दोनों बनवा लिए, दोनों बनवा लिए हुए हैं, मेरा डिजिटल भी और फॉर्मेट वाला दोनों लेके जाना होगा केवल एक ही। दोनों का दो कॉपी ले लीजिए। अजय भाई, हाँ अजय भाई ईबीसी के लिए बता दो, आय प्रमाण पत्र मेरा जो लगाया था वो ओरिजिनल गायब है, उसका फोटो कॉपी बचा है। ओरिजिनल गायब हो गया? ओरिजिनल गायब है, उसका फोटो कॉपी बचा, उसके बेसिस पे मैंने ईबीसी जारी करा लिया है तहसील से। जैसे वहाँ तो हम लोग के समय कोई भी सवाल नहीं था, लेकिन मतलब कोई कोई बोल रहा था ना, तो बोला जो ईबीसी फॉर्म भरा।